भारत से धड़ाधड़ चीन में भेजे गए कंटेनर, और इतने कंटेनर चीन में भारत के द्वारा भेजे गए कि भारत में कंटेनर का अकाल पड़ गया। लेकिन इसी बीच एक तरफ तो भारत के द्वारा चीन को धड़ाधड़ काफी बड़ी मात्रा में कंटेनर भेजे गए, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन की टेंशन बढ़ा दिया, क्योंकि भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस के सामने ऐसा ऑफर रखा कि उसे जानकर चीन की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि फिलीपींस और चीन के बीच तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों पहले भारत ने जब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी तो उस समय भी चीन की टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन भारत ने डिफेंस सेक्टर को लेकर फिलीपींस के साथ इतने बड़े कदम को आगे बढ़ा दिया है कि उससे चीन को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि भारत की अहमियत दुनिया भर में किस तरीके से बढ़ रही है, और वहीं दुनिया भर के देशों में चीन की अहमियत धीरे धीरे मिट्टी में मिलती जा रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत ने चीन की टेंशन बढ़ा दिया, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कभी कभी छोटे मोटे फायदे के चक्कर में काफी बड़ा नुकसान हो जाता है, और ठीक इसी तरह अब भारत के साथ हो चुका है, और इस खबर ने सभी भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और खासकर इसमें भारत के उन व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं जो कि अपने सामानों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इस रिपोर्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यूएस के द्वारा चाइनीज गुड्स पर टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के कारण भारत में कंटेनर की काफी ज्यादा कमी पड़ गई है, जिससे भारत के जो एक्सपोर्टर विदेश में अपने सामान को एक्सपोर्ट करते थे उनके पास कंटेनर की कमी होने के कारण भारत का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि आखिरकार भारत में कंटेनर की कमी क्यों पड़ गई, तो इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए ताकि आपको यह सारी चीजें आसानी से समझ में आ सके। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार को काफी ज्यादा प्रभावित किया, जिससे वैश्विक सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा हलचल मच गई, जिसके कारण आज से कुछ ही महीने पहले अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया कि वह अपने देश में चीन के द्वारा आने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि चीन की ज्यादातर कंपनियां घटिया क्वालिटी के सामानों को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही थीं, जिससे अमेरिका में चीन की लो क्वालिटी के प्रोडक्ट की डंपिंग बढ़ने से अमेरिका की दिक्कतें बढ़ती जा रही थीं और उनकी जो लोकल इंडस्ट्री है उन पर भी बुरा असर पड़ता जा रहा था। इसीलिए अमेरिका ने इसका फाइनल डिसीजन लेते हुए चीन के प्रोडक्ट पर अचानक से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट पर तो 100% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है और ज्यादातर सामानों पर 50% से भी ज्यादा की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। यानी कि जाहिर सी बात है, या तो चीनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में एक्सपोर्ट करना बंद कर दें जिससे उनकी कमाई बंद हो जाएगी, या फिर चाइनीज प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भी अगर चीन को अपने सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट करने हैं और वहां की मार्केट में बेचना है तो उन्हें सामान की कीमत से लगभग 1.5 गुना या 2 गुना तक टैक्स देना होगा, जो कि चीन की तो बात छोड़िए, किसी भी देश की कंपनी के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। यानी कि अमेरिका के इस फैसले से चीन को काफी बड़ा झटका लगा और उनके तोते उड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर भारत को एक पॉजिटिव रास्ता मिला, जिसके जरिए भारत के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट चीन के एक्सपोर्ट मार्केट को अमेरिका में रिप्लेस कर सकता है। हालांकि अमेरिका के द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी के टैरिफ रेट को बढ़ाकर लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसकी जो अफेक्टेड डेट है वह अमेरिका को अगले साल यानी कि साल 2025 की शुरुआत में रखनी पड़ी, क्योंकि अचानक इस तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका के द्वारा चीनी कंपनियों पर लगाना असंभव था। लेकिन जब चीनी एक्सपोर्टर को यह बात मालूम चली कि उनके प्रोडक्ट पर जो अमेरिका के द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है वह अगले साल से लगना शुरू हो जाएगी, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली और उन्हें लगा कि उनके पास 3-4 महीने का और समय है जिसमें वह बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं, और इससे पहले यह इंपोर्ट ड्यूटी लागू हो
उसके पहले चीन ने तेजी के साथ अपने सामानों को अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे एक तरीके से अमेरिका में चीनी सामानों की बाढ़ आ गई। चीन ने इन सामानों की सप्लाई के लिए भारी भरकम मात्रा में कंटेनर का उपयोग किया और जब चीन में कंटेनर की कमी पड़ने लगी तो उन्होंने भारत से इसकी मांग की और भारत के द्वारा चीन में कंटेनर भेजने से भारत की कमाई हो रही थी, इसलिए भारत ने भी चीन को अपने कंटेनर किराए पर दे दिए। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि भारत में धीरे धीरे कंटेनर की कमी होना शुरू हो गई और इस समय भारत में कंटेनर की काफी ज्यादा कमी पड़ गई है, यानी कि भारत के वह कंटेनर जो चीनी सामान अमेरिकी बाजार में पहुंचा रहे हैं वह खुद भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि यह कंटेनर चीनी सामान को अमेरिकी बाजार में पहुंचाने के बाद अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं और चीन ने जो कंटेनर भारत से किराए पर लिया है उन्हें भारत वापस आने में लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं। यानी कि भारत ने थोड़े फायदे के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में भारत को अपने सामानों के एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा घटनाक्रम का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है तो इससे चीन की वजह से भारत का काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर कंटेनर की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और हो सकता है कि हमें भी दूसरे देश से कुछ कंटेनर का जुगाड़ करना पड़े, लेकिन यह उतना भी आसान नहीं है। फिलहाल एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा चीनी कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी, चाइनीज सेमीकंडक्टर पर 50% और लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ अन्य कंपोनेंट पर लगभग 25% इंपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज किया है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले साल 2025 में भारत के इस सेक्टर की कंपनियों को काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि भारत ने इसी साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर के मामले में अमेरिका में घुसने की तैयारी को आगे बढ़ा दिया है, जिससे भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में वैश्विक लीडर बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ चीन की इन इंडस्ट्रीज का डूबना तय हो चुका है। और इसके अलावा भारत ने एक ऐसे रणनीतिक कदम को आगे बढ़ाया है जिससे चीन की टेंशन पहले से दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने हाल ही में चीन के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले फिलीपींस के साथ अपने डिफेंस प्रोडक्शन को मिलकर बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें भारत और फिलीपींस पार्टनरशिप के रूप में डिफेंस हथियारों के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं और साथ ही अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि फिलीपींस वही देश है जिसको कुछ महीने पहले भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा था और उस समय भी चीन को उसकी औकात समझ में आ गई थी, लेकिन अब दोनों देश डिफेंस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो इससे चीन की जो साउथ चीन सी और इंडियन ओशियन में उछल कूद है वह बंद होने जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आगे चलकर चीन के साथ क्या होने वाला है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हमने इस वीडियो में सही जानकारी लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।